हेलो सलाम जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप गोप्रो बाय करने का प्लान कर रहे हो सेकंड हैंड में वो भी, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेक करना है बिफोर बाइंग अ गोप्रो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने भी बाय किया था सेकंड हैंड गोप्रो। आपको पता ही होगा, मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि कैसे मैंने बाय किया है। आप इस वीडियो के बाद एंड स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ से देख लेना। उससे पहले आप ये सारी चीज़ें चेकआउट कर लो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप गोप्रो बाय किधर से करोगे। या तो आप ओजेक से करोगे, या तो कोई पर्टिकुलर शॉप से करोगे, या तो फिर मुंबई में रहते हो तो आप बोरा बाज़ार जाओगे, या कोई भी एक शॉप पर जाओगे जहाँ पर कैमरे मिलते हैं वहाँ से आप बाय करोगे। तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है काफ़ी। अगर आप ओजेक से बाय करते हो तो काफ़ी फ्रॉड होते, काफ़ी स्कैम होते। मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी स्मार्टफोन लिए सभी मैंने ओजेक से और मोबाइल शॉप से लिए, तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सेकेंड हैंड चीज़ों बाय करने में। बट मेरे साथ भी एक बार फ्रॉड हो चुका था, उसकी कहानी किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ओजेक पे मेरे साथ कैसा फ्रॉड हुआ था, मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं चेक की थी। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि गोप्रो में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है चेक करने की। सबसे पहले तो जनाब, सबसे पहली चीज़ की मैं बात करूँ जो, तो वो है बॉडी कंडीशन। तो देखो, गोप्रो की तुम लोगों को चारों तरफ से बॉडी कंडीशन दिखनी है कैसी है। कुछ स्क्रैच वगैरह हो गए तो चलता है, बट डेंट नहीं होना चाहिए। काफ़ी गहरा डेंट भी होता है गोप्रो पे, तो तुम लोग वो चेक कर लो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट रखती है उसकी लेंस। तो लेंस की कंडीशन देखो, पीछे LCD की कंडीशन देखो। गोप्रो में देखो, दो LCD है, एक आगे एक पीछे, तो दोनों तरफ देखो कोई डॉट तो नहीं है, या वहाँ पर बंद तो नहीं हुई, या तो वहाँ पर कोई डेंट तो नहीं है। अगर बंद हुआ या डेंट हुआ तो काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, तो सबसे पहले तुम्हें वो चेक कर लो। तो जनाब, सेकंड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है मोड्स। तो गोप्रो में बहुत सारे मोड देखने को मिल जाते हैं आपको। फोटो मोड देखने को मिल जाता है, स्लो मोशन देखने को मिल जाता है, टाइमलैप्स देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग चेक कर लो बिफोर बाइंग, क्या सारी चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। और एक बोनस चीज़ मैं आपको बताऊँ तो उसमें ये भी चेक कर लो, क्या जैसे ये लीनियर मोड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वाइड एंगल मोड वर्क कर रहा है कि नहीं, उसका जो सुपर वाइड मोड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब सुपर वाइड व्यू आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लो। तो देखो, उसके बाद आप चेकआउट करो कि आपका गोप्रो वाटरप्रूफ है कि नहीं। देखो, वहाँ पर आपको पानी में डुबाने तो कोई देगा नहीं, चाहे आप ओजेक से बाय करो या आप किधर से भी बाय करो। मुझे भी ऐसा नहीं मिला था पानी वगैरह में डुबा के। अगर ओनर परमिशन देता है तो तुम लोग कर सकते हो ये सारी चीज़ें पे चेकआउट, मस्त पानी में डुबा के देखो। अगर नहीं देता है उसकी परमिशन, तो आपको एक चीज़ चेक करनी है, बैटरी का साइड खोलो, जहाँ पे आप चार्जिंग लगाते हो गोप्रो की, जहाँ पे पिन लगता है वो साइड खोलो। वहाँ पे अगर आपको एक रबर चीज़ देखने को मिलता है तो समझ जाना आपका गोप्रो है जो वाटरप्रूफ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी काफ़ी पॉइंट बचे हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम लोग जाओ गोप्रो का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। गोप्रो का ऐप आपको सिंपली मिल जाएगा, उसमें आप कनेक्ट करके देखो, अपना कैमरा फाइंड करके देखो, कनेक्ट हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि गोप्रो का GPS या तो वाईफाई ख़राब हो जाता है। तो तुम लोग ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये चेक कर लो। मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ था, मैं आपको जो बताया था वजह से जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ था वो ये हुआ था, मैंने मोबाइल में सारी चीज़ें चेक करी थी, बट मैंने वाईफाई और ब्लूटूथ नहीं चेक किया था, और मुझे दूसरे दिन पता चला और बंदे का फ़ोन भी स्विच ऑफ था, क्या भाई वाईफाई बंद है इसके अंदर। तो जनाब, आपने गोप्रो का ऐप भी डाउनलोड कर लिया, कनेक्ट भी कर लिया, सारी चीज़ें चेक कर ली, तो आपको इसके बाद भी टाइम स्पेंड करना है। आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, उसका फुटेज आपको शेयर करना है अपने स्मार्टफोन में। तो देखो, कई सारे गोप्रो में प्रॉब्लम ये आती है, वो 5 मिनट 10 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी वो आधे घंटे की रिकॉर्डिंग की थी, और अपने मोबाइल में कनेक्ट करके उसे शेयर करके उसको देखा था, फिर उसके बाद ही मैंने गोप्रो बाय किया था, उससे पहले नहीं किया था। मैंने ऐप में पहले देखा था तो थोड़ी थोड़ी फुटेज फटी हुई दिख रही थी, तो भाई ने मेरे को खुद बोले कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे मोबाइल में मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करो आपको लेना है क्या नहीं। तो देखो, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, क्या भाई माइक्रोफोन भी तुम लोग चेक कर लो, क्या माइक्रोफोन कैसे काम कर रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है, लाइक नॉइस रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोग से जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी विंड चल रही है, हवा काफ़ी चल रही है, क्योंकि मैं दरिया के साइड हूँ, तो इसमें नॉइस थोड़ा बहुत आएगा, वो तो चल जाएगा, बट ज़्यादा नॉइस नहीं आना चाहिए। नॉइस रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माइक्रोफोन प्रॉपर वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे। गोप्रो में देखो 2 से 3 माइक्रोफोन होते हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट आप प्रॉपरली चेक कर लो इस चीज़ को। तो देखो, मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि भाई गोप्रो किधर से बाय करना है, गोप्रो आपने कहाँ से लिया, बता दो बता दो। तो देखो, मैंने बात बता दी क्या भाई, मेरे भाईजान फोटोग्राफर है, उनके फ्रेंड से मैंने परचेज़ की है। आप देखो, गोप्रो किधर से भी बाय करो, बट जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में टिप्स बताई है, वो चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप सक्सेसफुली एक अच्छा गोप्रो फाइंड आउट कर लोगे और अच्छा गोप्रो बाय कर लोगे। अगर आपको ये सारी चीज़ों से हेल्प मिली है तो नीचे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई ये जो पॉइंट था वो काफ़ी अच्छा था, हमें हेल्प मिली है इससे बाय करने, तो मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो देखो, मुझे बातें करने का काफ़ी शौक है, अगर मैं ऐसी बात करते जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी,
और आप भी बैठे बैठे बोर हो जाओगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको टिप अच्छी लगी तो नीचे कमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो भी GoPro बाय करने की कोशिश कर रहा है आपके फ्रेंड्स फैमिली में तो उसे इस वीडियो शेयर करके बता दो कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है GoPro बाय करने से पहले, या कोई भी एक्शन कैमरा बाय करने से पहले क्या क्या चीज़ों को चेकआउट करना है। तो मिलते हैं फिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए